साइड में जो है लकवा वगैरह बीमारी वाली, ये साइडों में जो पानी भरा हुआ है उधर जो बहाव, एक यहाँ पे साइड में दुकान है, अंकल से पूछते हैं कैसे क्या है। अंकल जी वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे, थोड़ा ये बताओ पब्लिक ज्यादा कब आती है, कौन से त्योहार व्यवहार पे आती है। जय माता दी। सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और वीडियो में, जहाँ हम आज आए हैं आवरी माता मंदिर, राजस्थान का सांवलिया जी के जस्ट पास में ही है। और आवरी माता मंदिर पे आप पहुँचे हैं, देख पा रहे हो ये यहाँ पे है इस प्रकार से, और बहुत सारी दुकानें लगी हुई नीचे। पूरा मंदिर जो आपको मैं विजिट कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, पूरा मंदिर आपको बताऊँगा कैसे क्या मंदिर का स्ट्रक्चर है, साइड व्यू कैसे क्या है, और अंदर माता की मूर्ति वगैरह कैसे क्या है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखना, उम्मीद करता हूँ आप पूरा देखोगे, कमेंट करके जाओगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चाय बहुत शानदार है दोस्तों, यहाँ पे आवरी माता में बहुत शानदार चाय देखने को मिल रही है भैया के यहाँ पे। भैया चाय बढ़िया बनी, एक नंबर यार। मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, क्या नाम अपनी दुकान का? अच्छा तो अभी चलते हैं दोस्तों, आपको दर्शन कराते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे भी ऐसी दुकानें हैं, थोड़ी देखने को मिल रही है इस प्रकार से हल्की फुल्की, 10-20 दुकानें हैं इधर जहाँ हम जा रहे हैं, और बाकी साइड में और होगी तो मैं आपको बताऊंगा कवर करके। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, माँ आवरी माता के दर्शन कराएंगे आपको, और उधर का व्यू बताएंगे कैसे क्या वो व्यू है। देख पा रहे हो उधर की साइड में वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हो उधर साइड में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, पानी भरा हुआ है शायद, बढ़िया चीज़ है यार, मतलब ऐसी चीजें और अच्छी लगती मेरे को। वाह भाई ऐसी चीजें तो और बढ़िया लगती है। उधर है मंदिर, उधर मंदिर तो उधर है, देख पा रहे हो कितना शानदार है। इधर साइड में पानी भरा हुआ है, इधर ये पट्टी निकली हुई है जहाँ पे आप चलो, बोले बारिश भी होती है, रुको बैठो और इधर बारिश का आनंद लो बोले। और उधर सामने है वहाँ पे वो देखने को मिल रहा पहाड़, पूरे राजस्थान में इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बना हुआ मिलेगा, पूरा देखने को मिलेगा आपको। और अभी अभी बारिश खत्म हुई तो सारी मतलब हरियाली भी देखने को मिल रही है। वीडियो में ले लूँ तुमको तो यार, फोटो वीडियो सही रहेगा, फोटो क्या देखे, वीडियो जिंदा आदमी को देखो वीडियो के अंदर। हाँ तो चलते हैं अभी मंदिर के अंदर, बताते हैं कैसे क्या मंदिर, वैसे मैंने देखा है 2-3 बार तो, और सांवलिया जी 10-11 बार आया हूँ, मैंने बताया पिछले ब्लॉग में आपको, बट अभी चलते हैं अंदर जाके बताते हैं कैसे क्या पब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी पब्लिक लग रही है, जितना जैसे सांवलिया जितना बड़ा नाम नहीं है मंदिर का, फिर भी पब्लिक अभी से बाहर से अच्छी लग रही देखने को, तो अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा पब्लिक हो। और ये हमारे साथ में सभी भाई लोग, और ये साइडों में जो पानी भरा हुआ है उधर जो पहाड़ है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखो, मतलब खूबसूरत है, बैठो कपल के साथ में भी आ सकते हो, अगर फैमिली के साथ में हो तो। देख पा रहे हो उधर काफ़ी ऊंचा ऊंचा लग रहा है मतलब, और अभी हमको जाना है मंदिर उस साइड है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। अरे वो है यार उधर, चलो ए इनको कपड़े पहन दो रे, कपड़े पहन दो, ए ए बाद में खींचा कपड़े बना, कपड़ा पहन दे बना। तो अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो देखते हैं कैसे क्या है भाई, समझ में आएगा थोड़ा अभी। कहीं बोलेगा, बोल ले देगा, बोले सर बोलेगा के लिए बोलेगा, पसीन हो जाएगा बोलेगा तुम कैमरा के सामने, अभी देखते हैं। तो भीड़ तो इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, पर पब्लिक फिर भी देखने को मिल रही है नॉर्मली, और जनरली भी इतनी रहती है पब्लिक इन जगहों पे। अभी त्यौहार लग रहे हैं, त्यौहार चल रहे हैं अभी, जैसे कि हमारे एरिया में गोवर्धन पूजा है वगैरह, तो क्या है कि पब्लिक नॉर्मली है, एवरेज पब्लिक है, इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। और एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है जिसपे बहुत सारे यहाँ पे जो चुनरी टाइप का कुछ जय माता दी लिखा हुआ है, बांधा हुआ है। और माता के मंदिर से मुझे भी बड़ा लगाव रहता है भाई, बहुत ज़्यादा लगाव,
अपना जोगनिया माता को कोई इष्ट भी जो नेक्स्ट मंथ ही टेम्पल विजिट करेंगे अपन। इधर साइडों में इस प्रकार की दुकानें हैं, देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छे। हाँ उधर से चलेंगे, अब यहाँ से काफ़ी सही लग रहा है, देख पा रहे हो, अब यहाँ से काफ़ी सही लग रहा है। देखो ऐसा व्यू तो सांवलिया जी में भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। चप्पल चप्पल खोलना था बाहर नहीं, हटे हटे हटे, चप्पलियाँ खोल दो साइड। एंट्री पॉइंट पे ही हमको निकाल दिए गए तिलक, और इधर बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, माता की चुनरी वगैरह मिल रही है, और ये जो देखो इस प्रकार से भी है, काफ़ी सही बनाया हुआ है। मतलब यार भाई इधर मिलेंगे आपको पूजा के लिए वगैरह कड़े वगैरह। ये कुत्ते क्या, ये कुत्ते हर जगह बताता हूँ मैं। अभी यहाँ से ऐसा टर्न लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ से घुस आएगा। इधर काफ़ी अच्छी दुकान लगी हुई है, देख पा रहे हो, काटना पड़ेगा, मतलब यार काफ़ी बड़ा बाजार लग रहा है इधर तो। मैं आया था, मुझे नॉलेज में था, मतलब इधर भी फिर नीचे भी काफ़ी लंबा बाजार है। देखो वो सारे चुनरी वगैरह ये सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, यानी इधर मंदिर के जस्ट पास में भी काफ़ी अच्छी दुकानें लगी हुई है। देखो ये देख पा रहे हो, इधर भैया की दुकान है। अभी यहाँ से है एंट्री पॉइंट मंदिर पर, इसमें फ़ोटो खींचना मना है, देख पा रहे हो, बट अब जा नहीं पाएंगे अंदर हम, कैमरा वहाँ से शायद बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे ना आनंद सही बताऊँ तो वहाँ जो लास्ट वाला ब्लॉग था वहाँ से भी अच्छा आनंद आ रहा है। यहाँ पे क्राउड भी सही साढ़े, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर, बढ़िया मंदिर का पूरा साइड का मंदिर का बढ़िया स्ट्रक्चर है, व्यू पॉइंट बढ़िया है, मतलब आप वहाँ पे साइड में रुक के बढ़िया से बातचीत वगैरह कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। यहाँ से घुसाएगा अंदर एंड देखते हैं कैसे क्या। साइड में जो है लकवाग वगैरह बीमारी वाले हैं, ये है बाहर का व्यू, यहाँ लिखा है फोटो खींचना मना है। यहाँ क्या निकले, अभी हम लोग आ गए मंदिर से बाहर, बाकी ये पूरा इधर था मंदिर, देख पा रहे हो, अंदर फोटो सही से लेने नहीं दिया, मतलब खींचने नहीं दिया फोटो वगैरह। हाँ क्या मले को नहीं, क्या जानो इस वाले मंदिर में। तो एक और यहाँ साइड में मंदिर है दोस्त, ये भी आप देख लेना वीडियो के अंदर, पूरा कवर करते हैं अपन, बालाजी का मंदिर है। एक चीज़ ये रहती है यहाँ पे सही से फोटो वगैरह लेने नहीं देते, ना फोटो लेने देंगे ना वीडियो, मोबाइल चलाने नहीं देंगे, तो जल्दीबाजी में क्या बोलो क्या आपको बताओ। यही चीज़ें साइड में यहाँ पे खोलने गए थे जूते वगैरह, यहाँ खोल के गए थे हम, इधर से गए थे तो पूरा घूम के हम लोग इधर से फिर निकले, एग्जिट यहाँ से हुआ हमारा। हाँ सीधा जाओ, सीधा जाकर लेफ्ट ले लेना। तो फाइनली हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा मैंने बता दिया होगा इस वीडियो के अंदर, बाकी इधर का और कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे शायद ऐसी मानता है कि मन्नत है, मतलब कि ये मन्नत पूरी होने के बाद में ये जो मुर्गे वगैरह है इनको छोड़ा जाता होगा, देख पा रहे हो। ठीक है, ये बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ पे, मतलब किसी से पूछेंगे यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे पूछेंगे हम लोग, फिर समझते क्या है। फिर जा रहे हैं हम बैक वापिस, और कुछ चीज़ें होगी यहाँ पे तो आपको मैं बताऊँगा। एक यहाँ पे साइड में दुकान है, अंकल से पूछते हैं कैसे क्या है। अंकल जी वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे, थोड़ा ये बताओ पब्लिक ज़्यादा कब आती है, कौन से त्यौहार व्यवहार पे आती है। नवरात्रि में आती है, नवरात्रि पे ज़्यादा रहती है, और गर्मी गर्मी में ज़्यादा रहती है। अच्छा, आसपास के लोकल लोग ज़्यादा आते होंगे, बाहर के भी बहुत सारे आते हैं, जैसे हम लोग आए MP मंदसौर से आए हम लोग, सब दूर से आते हैं ज़्यादा। जो भीड़ रहती है वो नवरात्रि में रहती होगी,
अच्छा, आपका भी कितने टाइम से लगा रहे दुकान यहाँ? 25 साल से यहाँ पे। क्या नाम आपका? देव प्रकाश। देव प्रकाश जी है ना, ओके। ये थे देव प्रकाश जी, 25 साल से दुकान यहाँ पे लगा रही हैं। कोई बांध लियो ऑर्डर। अच्छा, कहीं बांध लियो चुंडी बांधी हुई है माता जी यहाँ पे ना, लोग चुंदरी वगैरह बांधते हैं। चुंदरी कहाँ है? बरगद का पेड़ है, उसके बांधते हैं, मन्नत वन्नत मांगते होंगे शायद कोई यहाँ पे। तो मुझे ना इस टाइप के जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे देख पा रहे हो, ये पूरा राजस्थान वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मतलब जो बड़ी बड़ी उधर साइड में पहाड़ है, इधर इमारतें स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, देख पा रहे हो इस टाइप से, तो ये सही लगता है। पूरा प्योर दिखा था भाई, राजस्थान में आए हम लोग। ये बहुत सही स्ट्रक्चर है, राजस्थान जैसा फील होता है बिल्कुल, इसको देख के लगता है कि हाँ सही चीज़ है। और बहुत ही बढ़िया एंगल आ रहा है यहाँ पे। हाँ, क्यों करेगा, कहीं बोलेगा, बोल। फेस से आओगे मनी तो लूगा कभी, वीडियो में है काफ़ी, बाद में देख लीजिए। तो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा बैठने के लिए बढ़िया है, इधर देखो, बढ़िया है बैठने के लिए, आराम से बैठो। और मुझे ऐसा लगता है कि बारिश में इतना ज़्यादा आनंद आता होगा यहाँ पे, कि बारिश में पानी गिरता होगा, इधर पानी दिखता होगा बहुत सारा। एंड इधर क्या है कि वो अभी तो उधर उन्होंने बारिश से बचने के लिए वो भी कर दी है, छांव भी कर दी है, तो पूरा वहाँ लोग पब्लिक रुक जाती होगी, ये देख पा रहे हो यहाँ पे, तो फिर ना कहीं बहुत अच्छा लगता होगा। राम राम, बस कट दिया आप, कहो कट दिया आप, आप कट दिया मुँह? हाँ, अच्छा नहीं, इसको राजस्थान का, राजस्थान को जो, हाँ राजस्थान की लोकल पब्लिक ज़्यादा रहती है यहाँ पे, बाकी बाहर तो इन भाइयों को लग रहा है कि यहाँ पे फोटो खींचने के लिए तैयार है ये सब, देख लीजिए तो भी दिए हुए इन्होंने। ये डबल लीटर घुमा दीजिए, माँ कितनी आई जा रही है, तो दोस्तों मंदिर में दर्शन वर्शन करके हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। बाकी इस प्रकार का व्यू है, और शाम का धीरे धीरे समय भी होने जा रहा है। क्यों 3-4 बज गए, क्या टाइम हो गया? 3:07 मन से, मतलब कुछ भी। इधर साइड में थोड़े पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, बैठने की व्यवस्था है इधर साइड में। और ये वाला जो मैं बात कर रहा था, ये मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है इन, कब जब बारिश में, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश में बहुत ज़्यादा व्यू आता है, क्योंकि अभी इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो बारिश में और भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि साइडों में बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है। और इधर मतलब ये अभी तो ये भी बन गया है, पहले जब मैं आया था लास्ट टाइम, व्हेन आई वाज कम लास्ट टाइम, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर में छपरा बना हुआ है, लास्ट टाइम नहीं था ये। और मेन ये टेम्पल किस वजह से फेमस है, यहाँ पे लोग मतलब जो लूडे लंगड़े रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उनको, लकवा वगैरह की बीमारियाँ रहती हैं, वो लोग ज़्यादा सही हो जाते हैं। देख पा रहे हो साइडों में है बहुत सारे, वो लोग ज़्यादा सही होते हैं। जैसे भादवा माता में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसे यहाँ पे ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे आपको। जय माता दी, जय माता दी, ये एक बार मार के घुमा, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये वहां के थारे भाई, तो दोस्तों लास्ट व्यू आपको बता देता हूँ, ये है काफी अच्छा व्यू है, बट इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। काफ़ी अच्छा ब्लॉग मेरे हिसाब से होगा, आपको सारी जानकारी आप मिल गई होगी वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। एंड फिर से जा रहे हम चित्तौड़गढ़, वहाँ का भी ब्लॉग आ जाएगा, काफ़ी शानदार ब्लॉग होने वाला है। तो पूरा ब्लॉग कंटिन्यू करना, पूरा देखना। अभी ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और सारे लोग जो चैनल जो भी देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कमेंट करना, वीडियो आपको कैसा लग रहा है और बताने का तरीका कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं वो भी बताना। तो चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।